शहर के अलग अलग क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस से आंख मिचौली करने वाले बड़ा ताज बाग आजाद कॉलोनी निवासी आरोपी मोहम्मद दानिश मोहम्मद मतीन शेख को आखिरकार क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम ने धर दबोचा है। आरोपी से पुलिस ने चोरी के 85,000 का माल जब्त किया है। आइए देखते हैं। आए दिन शहर में वाहन चोरी, मोबाइल चोरी और मंदिर की दान पेटी तोड़कर पैसे चुराने की वारदातें हो रही है। ऐसे ही वारदातों को अंजाम देने वाला बड़ा ताज बाग आजाद कॉलोनी निवासी आरोपी मोहम्मद दानिश मोहम्मद मतीन शेख को बड़ी ही सतर्कता के साथ क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के जवानों ने धर दबोचा। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर आरोपी प्लेजर वाहन पर सवार होकर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के जवानों ने बड़ी ही सतर्कता के साथ आरोपी को धर दबोचा। पुलिसी अंदाज में पूछे जाने पर आरोपी ने बताया कि वाठोड़ा क्षेत्र में एक प्लेजर वाहन की चोरी की घटना उसने कबूल की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पांच पावली परिसर के एक दुकान में चोरी की थी, जहां पर घड़ियां मिली थी और तो और मैं और मेरे पार्टनर ने घड़ियां आपस में बांट ली। पुलिस ने प्लेजर बाइक की डिक्की खोली तो उसमें चिल्लर पैसे मिले थे। पुलिस ने सख्ती से आरोपी को पूछा तो आरोपी ने बताया कि सक्करधरा पुलिस थाना क्षेत्र में एक मंदिर की दान पेटी की चोरी की थी। दान पेटी में चिल्लर थी, जिसे उठाकर हमने डिक्की में डाल दिया। क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 ने कार्रवाई करते हुए कुल 85,000 का माल जब्त किया है। इस घटना के बारे में क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के अधिकारी गणेश जामदार इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। बरोबर है, काल यूनिट 4 चे पुलिस नाईक युवानंद कडू यांना त्यांच्या गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की एक आरोपी संशयित स्थितीत फिरत आहे। मग आम्ही आमच्या वरिष्ठ DCP श्री चिन्मय पंडित सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आमची टीम त्या ठिकाणी रवाना केली असता एक इसम मोहम्मद दानिश मोहम्मद मतीन शेख वय 23 वर्ष हा आझाद कॉलनी निराला सोसायटी ताजबाग येथे राहत तो एका टू व्हीलरवर प्लेजर गाडी होती त्यावर आम्हाला संशयितरित्या भेटला। त्याची अंग झडती घेतली असता त्याच्याकडे एक घड्याळ मिळालं आणि गाडीच्या डिक्कीमध्ये काही पैसे मिळाले, चिल्लर पैसे। मग आम्ही त्याला त्याबाबत चौकशी केली असता आमच्या असं लक्षात आलं, तपासात निष्पन्न झालं की त्यांनी ती जी प्लेजर आहे ती वाठोडा पोलीस स्टेशन हद्दीतून काल सकाळीच चोरली होती आणि आम्हाला ती दुपारच्या सुमारास मिळाली। शहर में अपराध की घटना तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम चोरों पर अंकुश लगाने में कामयाब दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट।